और इसके अलावा भी बजट में बढ़ोतरी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी बजट में बढ़ोतरी कृषि के बजट में हुई है, और ढेर सारे परिवर्तन करे हैं। और मैं मानता हूं आर्थिक सुधारों को मैं इसलिए बताना नहीं चाहता कि बहुत बड़ी सूची है उसमें, बैंकिंग से लेकर एफडीआई पॉलिसी से लेकर जीएसटी से लेकर, लेकिन मेरा अगला सवाल इसी पर है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने से लेकर इंश्योरेंस डिफेंस एफडीआई का परिवर्तन कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर और सहकारिता मंत्रालय के गठन तक, ढेर सारे नोटबंदी ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, आज आपको अगर रिफंड लेना है तो कोई इनकम टैक्स ऑफिस में या कोई लॉयर की जगह आपके अकाउंट में वो आ जाएगा भी। आज आपका इनकम टैक्स असेसमेंट कहाँ गया है आपको भी मालूम नहीं, आपका कोई लॉयर सीए आपसे अब कह नहीं सकता इसको मैनेज करना है लाइए इतने रुपये, वो ऑटोमेटिक होकर आप पर ही मिल आ जाएगा और आपका असेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की ढेर सारी व्यवस्था, कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही कंपनी अब रजिस्टर हो जाती है, आप एक नाम डालोगे तो 3 दिन में जवाब आएगा कि नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर है, दूसरा नाम लाइए, जिसके लिए पहले क्यूमुलेटिव इफेक्ट से देखे तो अरबों खरबों रुपया घूस लिया जाता था, छोटी छोटी होती थी, मगर उसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अर्थतंत्र पर काले धन के अर्जन में बहुत बड़ी होती थी। ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं उन्होंने। मेरा अगला सवाल इसी रिफॉर्म को लेकर, ये जो दो कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके लिए पीएलआई स्कीम लाना, कस्टम ड्यूटी को ऊपर नीचे करके भारत के अंदर उत्पादन के लिए माहौल बनाना, विश्व की स्पर्धा में खड़े रहने के लिए गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाना, किन किन चीजों में हम दुनिया के बाजार में अच्छे से जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल एरिया आइडेंटिफिकेशन, इस प्रकार की आज ही निर्णय करा है। अपैरल पार्क का, टेक्सटाइल पार्क का बहुत बड़े कैबिनेट में निर्णय हुआ है। इस प्रकार से इससे हमारा कृषि भी बढ़ेगा, रोजगारी भी मिलेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। ढेर सारे रिफॉर्म मोदी जी ने किए हैं। एक लेख में अपने आपने इसका भी जिक्र किया था कि 60 साल में जितने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हुए उससे ज्यादा 6 साल में मोदी जी, 6 साल में मोदी जी ने करे, वो सही बात है। और इसीलिए अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से हम 6ठे पायदान पर पहुंचे, 5वें पायदान पर पहुंचे, 5-6 में ऊपर नीचे होता रहता है। 1,17,000 करोड़ का जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स में इतनी बढ़ोतरी, टैक्स देने वाले करदाताओं में बढ़ोतरी, हर पैमाने से देखिए। और मुझे भरोसा है कि ये जो सुधार की है, चाहे एनसीएलटी का कानून हो, चाहे बैंक के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने की बात हो, चाहे ब्याज दर में कमी करने की, हर चीज का परिणाम अब मिलने लगा है। कोरोना का गतिरोध अगर ना आया होता तो आज हम बहुत अच्छी जगह हो, मगर ये तो पूरी दुनिया के लिए है और हम सबसे पहले कोरोना के गतिरोध से उभरने वाला अर्थतंत्र है। आज हम प्री कोरोना स्टेज में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये 50-55 साल तक कांग्रेस का जो शासन रहा उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका जो वोटर रहा वो समाज का वंचित वर्ग रहा, कांग्रेस को वो अपनी पार्टी मानता था। पिछले 7 साल में आप लोगों ने उसको बदल दिया, आज मोदी जी ने भाजपा को वंचित वर्ग की पार्टी के रूप में उसकी पहचान बना दी है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो सामाजिक समीकरण बनाया आपने, सोशल इंजीनियरिंग कहे या जो भी नाम देना चाहें, इसकी योजना कब से थी उनके मन में? ये जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने उसके बाद से शुरू हुआ प्रोजेक्ट या उससे पहले से? नहीं, ये तो उन्होंने गुजरात में राज्य के स्तर पर, राज्य की रिक्वायरमेंट के आधार पर और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल ये सारे एक्सपेरिमेंट गुजरात में करे ही थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 54 मंत्रालयों की अलग अलग योजना है जो जनता को, जनता के लिए है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के लिए, 54 मंत्रालयों की। आज 43 करोड़ बैंक खाते में वो सारी योजना डीबीटी के माध्यम से, एक भी बिचौलिए के मगर सीधा 5 तारीख को उसको चेक मिल जाता है। आप मुझे बताइए इससे बड़ा भला उसका गरीब का क्या हो सकता है? वो बुढ़िया को 600 रुपया लेने के लिए कोई उससे 50 रुपया छीन जाता था,
बच्चे के वजीपे से 10% कोई काट लेता था, आज ये सारी चीजें खत्म हो गई। और ये सब करने के बाद भी कॉरपोरेट टैक्स घटाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया है, हम 17% पर ले आए। ये सब करने के बाद भी